वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फिफ्थ चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे, जिसमें हमने आपको कंप्लीट जो nth टर्म थी किसी एपी की उसके बारे में डिस्कस किया था। हाउ यू फाइंड द nth टर्म, हाउ यू फाइंड द रेस्पेक्टिव इंडेक्स, तो भी इसमें दिए हुए होते हैं कौन कौन सी टर्म्स होती हैं आपकी an, ad, n। तो ये चार अननोन क्वांटिटी हमारे पास होती है, इनमें से अगर कोई तीन हमें दे दे तो हम चौथी कैसे निकालेंगे, फोर्थ वन कैसे फाइंड करेंगे, ये सब हमने कल किया था। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं कि आपके पास कुछ ए पीज दी है, उसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं बेटा, वो आपको फाइंड करनी। क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग ए पीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द बॉक्सेस। जैसे फर्स्ट है, इसमें दे टू बॉक्स 26, ठीक है। सेकंड जो है बेटा, उसमें दिया है पहला बॉक्स दे दिया, फिर आपको 13 दिया है, फिर बॉक्स दे दिया, फिर आपको 3 दिया है। थर्ड में आपको पहले 5 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर दिया है 9:1/2। फोर्थ वन -4, फिर आपके पास बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और बेटा लास्ट में दिया आपको 6। फिफ्थ वन इज, पहले आपको बॉक्स दे दिया, फिर 38 दिया है, फिर 3 टाइम्स यानी कि 3 बॉक्सेस हैं, और फिर है बेटा माइनस का 22। हमें इन बॉक्सेस में जो रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं एपी की वो बतानी है। चलिए मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ, आप ध्यान रखें उसको, इम्पोर्टेंट है। इफ A, B एंड C आर इन AP, क्या है, इफ A, B, C आर इन AP, इट मीन्स एनी थ्री टर्म्स फॉर्म्स एन AP, देन द मिडिल टर्म दैट इज B इज हाफ ऑफ द सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म। द मिडिल टर्म इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म, मतलब कोई भी तीन टर्म अगर AP में है तो उसकी जो मिडिल टर्म होगी दैट इज बी दैट इज ऑलवेज द हाफ ऑफ द सम ऑफ एक्सट्रीम सम ए प्लस सी बाई टू। तो सेम पैटर्न पे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा बोले सर, आपने बताया कि ए बी सी ए पी में है, किस में है, ए पी में, तो ये रिलेशन क्यों आई, क्योंकि अगर ये ए पी में है तो हम इनका डिफरेंस तो इक्वल कर ही सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है, लेट अस अज्यूम दिस इज ए वन ए टू एंड ए थ्री, तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, ए टू माइनस ए वन That equals to A3 minus A2. Is it in AP? AP है, तो difference equal होगा। A2 क्या है, B, A1 क्या है, A, A3 क्या है आपका, C, A2 क्या है, B, इस B को इधर भेजो मैं तो B plus B हो जाएगा, C minus A उधर गया plus A, B plus B is 2B, that is C plus A, then what is B, C plus A by 2, ये relation ऐसे बनती है। तो आपको short term में अगर direct आपको use करनी हो तो आप बोल सकते हैं, if there are three terms which are in AP, then the middle term is always the half of the sum of their extreme term. On the same pattern we are going to solve this question. ये अगर मैं इसको A ले लूँ, इसको B लूँ और इसको C लूँ, AP में है, then this B is equal to sum का half, किन का extreme term का, तो 2 + 26/2, that is 28/2, 14, तो B की value कितनी आई बेटा, 14. B की वैल्यू कितनी आई, 14। यू चेक द डिफरेंस ऑफ द AP, 14 माइनस 2 12 इसमें ऐड करोगे 26, इसका मतलब ये AP है। तो बेटा ये बॉक्स किस में जो आएगा डिजिट वो क्या आएगा, 14। आप ये फॉर्मेट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी भेजे गए थे वो इसी बेस्ड पे थे कि अगर कोई भी तीन टर्म AP में है देन हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन टर्म्स। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, लेट अस अज्यूम दिस इज फर्स्ट A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म एंड दिस इज व्हाट, A4 टर्म। एक बात बताइए, A2 13 है बेटा आपका, A2 कितना है, 13, तो क्या मैं A2 को AN वाले फॉर्मेट से A प्लस डी नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि जितना N उससे A कम D, जितना n उससे a कम d, n कितना है इसमें 2, तो a कम d मतलब 2 - 1 × d, दैट इज ओनली d, एंड दिस इज a4, a4 कितना है बेटा 3, तो a4 a कम d यानी कि a प्लस 3d, दैट इज व्हाट 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट लेट अस वी अज्यूम, एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड लेट अस अगेन वी अज्यूम।
from first and second, both are the linear equation in terms of a and d. तो first and second से a plus d equal to 13 and a plus 3d equals to 3. Again subtracting, cancel down d minus 3d minus 2d, 13 minus 3, 10. 2 से 5, minus d 5 है बेटा, तो d कितना आ जाएगा? minus 5. अब ये d की वैल्यू आप इन दोनों equations में किसी एक में substitute करो, तो क्या आएगा? From equation first, a plus d है, d minus 5 है, minus 5 equal to बेटा कितना आएगा? 13. a minus 5 goes to right hand side, 13 plus 5, that's why a equals to what? a 18, d minus 5 है. d minus 5 इसका मतलब ये है कि जो ap आपके पास है इस क्वेश्चन में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. आप देखिए 13 से 3 हुई है, इसका मतलब कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ap जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी हमेशा उस केस में d कैसा आएगा? नेगेटिव. इसका मतलब d आपका सही है. अब ये कह रहा है कि फर्स्ट टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 18 और d कितना बेटा? minus 5. 18 minus 5 13, 13 minus 5 8, 8 minus 5 3. This is the way how we solve the given such type of problems as per the according questions. ये questions आपको दिए गए हैं, इसमें यही format आपको use करना है. Until and unless there are the three terms which are in AP. जब तक आपको कोई तीन term AP में ना दी, तब तक आप इस formula को ही use करेंगे. और अगर तीन term AP में है, then you use the direct method. ठीक है? Similarly, this is A1, A2, A3 and A4. A4 आपकी कितनी बेटा? 9:1/2. तो A4 आपके 9:1/2 है. A4 को क्या लिखोगे आप? A plus 3D. 9 to 18 plus 1 19/2. अगर आप इसमें A रख दें, A आपके पास कितना दिया है? इसमें 5. अगर यहाँ आप A सब्स्टिट्यूट करें तो किसकी वैल्यू आएगी बेटा? D की. A है, D है, आप कुछ भी लिख दो चाहें. AP 5 से कितनी हो गई देखो? 9/2 19/2, यानी कि इंक्रीज हुई है, तो D मस्ट बी पॉजिटिव. सिमिलरली दिस इज A, दिस इज A5. ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. A5 क्या होता है? A plus 4D. Again we substitute the value of A to find the value of D. D आ गया, A आ गया. AP आप कितनी लिखवा लो चाहे, कौन सी टर्म पूछ लो उसकी, कोई भी टर्म निकाल देंगे. This is A1, this is A2, A3, A4, A5 and this is what? A6. A2, A plus D. A6, A plus 5D. Similarly, आपके पास दो equation बनेंगी, उन दोनों equations को आप solve करेंगे, A और D की value आएंगी, और हमारे पास किसी भी AP के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ first term और उसका common difference. तो ये और ये तीनों आपके लिए homework हैं, in the same manner, in the same pattern, right? चलिए, next, question number 4 की तरफ बढ़ते हैं. अब question change होंगे बेटा यहाँ से. क्वेश्चन चेंज होने का मतलब है कि अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देंगे, उसमें से आपको खुद को सब्स्टिट्यूट करना है, खुद को वैल्यू पुट आउट करनी है, खुद को वहां से वैल्यू ढूंढनी है, सब करना है आपको. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका कि विच टर्म ऑफ द एपी हम दे रहे हैं आपको, इसकी कौन सी टर्म? ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज व्हाट? 3, 8, 13, 18, 78. क्या होगी? 78. इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? आप जब भी क्वेश्चन में देखें कि आपसे टर्म के बारे में पूछ रहा है, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, इन विच टर्म्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, लेट अस बी कंसीडर. हमने क्या मान लिया कि ये इस एपी की लास्ट टर्म होगी बेटा. कौन सी टर्म होगी? लास्ट टर्म. और लास्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एन से. ए एन कैन बी रिटन एज व्हाट? ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इक्वल्स टू 78. ए फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी दैट इज 3 प्लस एन हमारे पास नहीं है. डी डिफरेंस 8 माइनस 3 5 दैट इक्वल्स टू 78. इस 3 को राइट हैंड साइड में भेजूँ, एन माइनस वन इन टू कितना बचेगा? 5. 78 माइनस 3 एन माइनस वन इन टू 5. 78 minus 3 is what? 75. 5 से cancel, 15. n minus 1 बेटा 15 आ गया, तो n कितना होगा? 16. तो इस AP की कौन सी टर्म है? ये 16th टर्म है. आप कंफर्म कर सकते हैं 16th टर्म को कैसे लिखेंगे हम? A16 से. और ये क्या होगी? A plus 15D. A कितना है बेटा आपका? 3 plus 15 into D कितना है? 5. रखो 3 plus 15 5 जा 75. 75 plus 3 78. इसका मतलब हमारा आंसर सही है. आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फिर से वही बात पूछे है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपके पास दो एपी दी है, पहले वाली आपको खुद को सोल्व करनी है, ठीक है। हाँ, सेकेंड पार्ट में करवा रहा हूँ, सेकेंड में क्या है, जो सेकेंड पार्ट है उसमें कुछ एपी इस तरह से दी है, 18, 15:1/2, 13--47, इस तरह से दी है आपको। एपी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, इसका मतलब डी मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। इन द गिवन एपी ए इज व्हाट, 18। डी कैसे निकालेंगे बेटा, a2 - a1। ए टू कितना होगा, 15 × 30 + 1, 31/2 - 18। 2 एलसीएम लेंगे हम, 31 - 18 × 36, दैट इज -5/2, एंड दैट इज व्हाट आवर डी, दैट इज व्हाट आवर डी, एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म, दैट इज ए एन, एंड दैट इज व्हाट -47। नाउ क्या करेंगे, ए एन कैन बी रिटन एज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। व्हाट इज ए वन, -47, ए 18 है बेटा आपका, प्लस एन माइनस वन इन टू डी कितना है, -5/2, ठीक है। 18 को इधर भेजो, -47 - 18 = n-1 इन टू -5/2, मल्टीप्लाई में है 8, 7, 5, 4 + 1, 5, 4, 1 कैरी वाला 6, -1 - 5/2 इधर ले आओ, -2/5 इक्वल टू क्या बच गया बेटा, n-1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 13, 13 × 26, 26 इक्वल टू क्या आया, n-1, देन व्हाट इज n, n इज 27। इट मीन्स इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी आपके, 27। दैट द टोटली कंपोजिशन ऑफ द क्वेश्चंस विल डिपेंड ऑन द ओनली सिंगल फॉर्मेट, दैट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, एंड दैट इज गिवन बाय an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इनटू d। क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5 पार्ट्स थे, फोर्थ एंड फिफ्थ के 2 पार्ट्स थे। फिफ्थ का सेकंड पार्ट मैंने आपको कराया, फर्स्ट पार्ट आपको करना है, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर थर्ड के, वो आपको करने। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।